एक और फंडामेंटल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, वो है डिकार्टेज रूल ऑफ साइंस। अब डिकार्टेज रूल ऑफ साइंस किसी भी पॉलीनोमियल पे एप्लीकेबल है जिसके कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं। से फॉर एग्जांपल कि सपोज अपने पास एक पॉलीनोमियल है ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहां पे सभी ए आई यानी ए एन, ए एन माइनस वन, ए नॉट सभी के सभी रियल नंबर्स हैं। तो अपने अगर इस पॉलीनोमियल के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उसका एक सीक्वेंस बना है, जैसे ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड ए नॉट, और ये सीक्वेंस में अगर कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनका वैल्यू जीरो है तो उसको अपने वो सीक्वेंस से निकाल देंगे। अब ये सीक्वेंस के अंदर अपने देखेंगे कि यहां पे इस सीक्वेंस में कितनी बार साइन चेंज होता है, यानी कितनी बार प्लस से माइनस चेंज हुआ है और कितनी बार माइनस से प्लस चेंज हुआ। तो अपने अगर बोले कि नंबर ऑफ साइन चेंज जो है सपोज एस है, और अगर अपने ये बोलते हैं कि सपोज ये इक्वेशन के अपने पास पॉजिटिव रूट्स जो हैं वो पी हैं, तो सपोज नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स जो है पी है, तो डिकार्टेस थ्योरम कहता है कि ये जो एस माइनस पी होगा वो एक नॉन निगेटिव इवन नंबर होगा, यानी कि एस माइनस पी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और दूसरा ये जो नंबर होगा वो एक इवन नंबर होगा। तो अगर इसका एप्लीकेशन देखें, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन ये है कि किसी भी पॉलीनोमियल इक्वेशन में जिसके कोएफिशिएंट्स रियल हैं तो पॉजिटिव रूट्स की संख्या या नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स जो है वो एस से हमेशा छोटे होंगे, दैट इज पी एस लेस देन और इक्वल टू एस। यानी इसका मतलब कि इस इक्वेशन के जो पॉजिटिव रूट्स होंगे उसका अधिकतम संख्या जो है वो एस के बराबर हो सकती है। तो ये है आपका डिकार्टेस थ्योरम। अब डिकार्टेस थ्योरम को अपने नेगेटिव रियल रूट्स के लिए भी यूज करते हैं। तो नेगेटिव रियल रूट्स के लिए अपने ये करते हैं कि ये इक्वेशन में जहां पे एक्स है उसको अपने चेंज कर देते हैं माइनस एक्स के साथ। तो अगर इक्वेशन में अपने एक्स को माइनस एक्स से चेंज कर दिया तो वापस से अपना सीक्वेंस लिखेंगे, और वापस से सीक्वेंस लिखने के बाद अपने देखेंगे कितनी बार साइन चेंज हुआ। तो जितनी बार साइन चेंज हुआ तो इस इक्वेशन के अधिकतम उतने नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे, और उससे जितने भी कम होंगे वो टू के मल्टीपल्स में ही कम होंगे। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं ये आपका डिकार्टेस थ्योरम। तो चलिए अपने एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज एक क्यूबिक इक्वेशन है, वो है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अपने को पता करना है कि इक्वेशन के कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, कितने नेगेटिव रूट्स हैं और कितने रियल रूट्स हो सकते हैं। तो अगर ये इक्वेशन में इसके कोएफिशिएंट्स का सीक्वेंस बनाएंगे तो उसके कोएफिशिएंट्स के साइन का सीक्वेंस बनाते हैं। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। तो प्लस माइनस और प्लस, अब कितनी बार साइन चेंज हुआ, एक साइन चेंज यहां पे, दूसरा साइन चेंज यहां पे, तो नंबर ऑफ साइन चेंज जो है वो ये केस में टू है। अब डिकार्टेस रूल ऑफ साइंस ये कहता है कि जो आपका एस माइनस पी है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और इसका जो डिफरेंस है वो हमेशा एक इवन नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब या तो पी का वैल्यू जीरो आएगा या फिर पी का वैल्यू टू आएगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसका एक भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा या फिर इसके दो पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव रियल रूट की। तो नेगेटिव रूट के लिए अपने रिप्लेस कर देते हैं एक्स को माइनस एक्स के साथ। तो माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया तो माइनस एक्स होल क्यूब माइनस थ्री माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यानी इस केस में कोएफिशिएंट्स के साइन क्या है, माइनस माइनस एन प्लस। तो कितना साइन चेंज है, तो इस केस में सिर्फ एक ही साइन चेंज है, तो यानी एस का वैल्यू वन। तो इस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है पी इज इक्वल टू वन, क्योंकि पी जो है एस माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और एस माइनस पी इवन भी होना चाहिए। तो यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, वो है पी इक्वल्स टू वन। तो डिकार्टेस थ्योरम ने अपने को ये रिजल्ट दे दिया कि इक्वेशन का एग्जैक्टली एक नेगेटिव रूट होगा और इसमें या तो कोई भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा या फिर दो पॉजिटिव रियल रूट होगा। अब नेगेटिव का ठीक है, अपने को पता है कि एग्जैक्टली एक नेगेटिव रियल रूट है। अब पॉजिटिव रूट का क्या करेंगे कि जीरो है कि दो है। तो यहां पे इसको रिजॉल्व करने के लिए अपने कैलकुलस का यूज कर सकते हैं, कि जैसे कैलकुलस में एक चीज है जिसको अपने बोलते हैं बोल्जानोस थ्योरम। अब बोल्जानोस थ्योरम ये कहता है कि अगर अपने पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है एफ एक्स और अपने पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी इस तरीके से कि अगर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो है तो एटलीस्ट एक रूट एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो का वो
ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो जितने भी पॉलीनोमियल इक्वेशंस हैं रियल कोएफिशिएंट्स के साथ, वो सारे के सारे फंक्शंस आपके कंटीन्यूअस फंक्शंस होते हैं। तो अपने क्या करेंगे, जरा एफ जीरो का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर एफ जीरो का वैल्यू फाइंड आउट किया तो एफ जीरो का वैल्यू कितना हो गया 1, एफ 1 का भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया माइनस, देन इसका मतलब एफ जीरो इंटू एफ 1 इज लेस देन 0। तो यानी इसका एक रूट तो 0 और 1 के बीच में है। तो अब पॉजिटिव में एक चीज तो पता चल गई कि एक रूट तो है, तो मतलब जीरो रूट वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो एक रूट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डिकार्टेस थ्योरम क्या कहता है, या तो जीरो होंगे या दो होंगे। तो अब अपने क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो अपना क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के एक नेगेटिव रूट होगा और दो पॉजिटिव रूट होंगे। तो इस तरीके से अपने जो है डिकार्टेस रूल को यूज करते हैं इक्वेशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जो कि है एक फिफ्थ डिग्री इक्वेशन है x टू द पावर 5+7x³+15x-1=0। अपने को इसमें फिर पता करना है कि इसके कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, कितने नेगेटिव रूट्स हैं और टोटल कितने रियल रूट्स हैं। तो अपने वापस से इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उसके साइंस का एक सीक्वेंस बनाते हैं, प्लस 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 एंड माइनस। तो कितनी बार साइन चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ सिर्फ एक बार। यानी एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू 1 है। नाउ पी इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एस, यानी पी 1 या 1 से छोटा, और एस माइनस पी जो है वो हमेशा इवन होना चाहिए। तो इसका मतलब अपने को क्लियरली पता है कि यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है पी इक्वल्स टू 1। तो ये जो इक्वेशन है इसके पास सिर्फ एक और एग्जैक्टली एक ही पॉजिटिव रूट होगा। दूसरा माइनस एक्स के लिए या नेगेटिव रूट्स के लिए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स टू द पावर 5+7x³-15x-1=0। सीक्वेंस क्या हो गया, माइनस 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 और माइनस। तो यहां पे साइन चेंज हुआ ही नहीं, तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितना 0, यानी पी का वैल्यू भी कितना 0। तो अब क्लियरली यहां पे तो सीधे ही आंसर मिल गया कि ये इक्वेशन के पास एक पॉजिटिव रियल रूट होगा और इसके पास एक भी नेगेटिव रियल रूट नहीं होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स 1, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स 0, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के रियल रूट्स। तो ये इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं, तो ये इक्वेशन का सिर्फ एक ही रियल रूट है और वो रूट पॉजिटिव है। अगर अपने करना चाहें तो इसको कैलकुलस से भी कर सकते हैं कि अगर जैसे इसको एफ एक्स मान के डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x⁴+21x²+15 जो कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑड डिग्री के साथ, तो माइनस से शुरू होके प्लस पे जाएगा, तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ये इक्वेशन का सिर्फ एक ही रियल रूट होगा। बोल्ज़ानोस थ्योरम से अपने डिसाइड कर सकते हैं कि वो रूट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एफ जीरो का वैल्यू नेगेटिव, यानी कि जीरो पे वैल्यू -1, इन्फिनिटी पे वैल्यू +∞, तो इसका जो रूट है वो पॉजिटिव रियल रूट होगा। तो अपने कैलकुलस से भी पता कर सकते हैं और डिकार्टेज रूल ऑफ साइन से भी कर सकते हैं।